सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। करिश्मा कपूर इस वजह से करती है अक्षय कुमार से नफरत, कई फिल्मों के ऑफर तक ठुकरा दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारत में कोरोना महामारी तमाम इंतजाम के बाद भी अपने पैर पसार रही है। ऐसे में देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया गया है ताकि हम सब घर में रहकर सुरक्षित रह सकें। सिर्फ हम आम आदमी ही नहीं बल्कि हमारे चाहते बॉलीवुड स्टार्स भी सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर में ही हैं, क्योंकि कोरोना के कारण देश भर में तमाम तरह की शूटिंग भी बंद कर दी गई है। ऐसे में हमारे सेलेब्स की कई किस्से और पुरानी बातें इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इन्हीं किस्सों में से एक किस्सा बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर का भी है। ये किस्सा भी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इन दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है। दोनों ही एक जमाने में हिट हुआ करते थे। इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों द्वारा भी खूब पसंद किया जाता था। लेकिन क्या आपको पता है, एक समय ऐसा भी आया था जब करिश्मा कपूर अक्षय कुमार से नफरत करने लगी थी। आज करिश्मा कपूर फिल्म से तो क्या बॉलीवुड से भी कोसों दूर हो गई है। वहीं अक्षय की बात करें तो इस समय वह कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि अक्षय कुमार और करिश्मा ने साथ में फिल्म जानवर, मेरे जीवन साथी, हाँ मैंने भी प्यार किया जैसी फिल्मों में काम किया है। अक्षय लीड रोल में करिश्मा के साथ फिल्म दीदार में दिखाई दिए थे। उस समय करिश्मा इंडस्ट्री के बड़े घराने कपूर खानदान से ताल्लुक रखती थी। वहीं अक्षय नए नए थे, इंडस्ट्री में उनका कोई गॉडफादर नहीं था, इसलिए इन दोनों के बीच काफी अंतर था। अक्षय फिल्म दीदार के सेट पर काफी सादगी से पेश आते थे, वहीं इस फिल्म के सेट पर करिश्मा को बहुत कम अटेंशन मिलता था। इसी बीच डायरेक्टर प्रमोद चक्रवर्ती अक्षय के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। ऐसे में एक बार करिश्मा ने गुस्से में आकर अक्षय को कह दिया था कि वह डायरेक्टर के चमचे हैं। इसके बाद से ही वह अक्षय से चिढ़ने लगी थी।